पार्ट वन। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी जिसमें कि एक लड़का एक दूसरी लड़की के साथ अपने रूम में एक धकापेल कार्यक्रम कर ही रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं कि उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो वहां पर आ जाती है, उसको एक सीक्रेट रूम में से ये सब करते हुए देख लेती है। तो आगे चल के क्या क्या होने वाला है यही हम आज के सुनिश्चन में देखने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग नए आए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। गाइज मूवी स्टार्ट होती है और हम लोग देखते हैं एड्रियन नाम के एक आदमी को जो कि एक बहुत ही बड़ी म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी का प्रोड्यूसर था। हम यहाँ पर देखते हैं कि वो अपने काम को बहुत ही लगन से करता था, पर एक दिन हम देखते हैं कि वो अपने रूम में एक वीडियो देख रहा था जो कि उसकी गर्लफ्रेंड बेलेन की थी। हमें यहाँ पर पता पड़ता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के जा चुकी है और उसी के याद में यहाँ पर एड्रियन भाई साहब बहुत ज्यादा दारू पी रहे थे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो कबीर सिंह बना हुआ था। हम देखते हैं वो अपनी कार को लेकर एक बार में चला जाता है जहाँ पर वो शराब पीने लगता है और साथ ही साथ वो जब बाहर निकलता है तो उसकी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में उसकी नाक से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा था, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर फोबियाना आ जाती है जो कि उसी बार में काम करती थी। वो यहाँ पर एड्रियन को अपनी कार में बिठाती है जिसने की बहुत ज्यादा दारू पी रखी थी और वो उसे अपने घर पे ले जाती है जहाँ पर वो उसके मूड को पूरा फ्रेश करती है, उसे नींबू चटाती है। अब हम लोग देखते हैं कि सुबह होती है, एड्रियन भाई साहब का जो होश था वो वापस आ चुका था और वो बिना फोबियाना को सॉरी कहते हुए वहां से चला जाता है जिससे कि फोबियाना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब अगले दिन हम लोग एड्रियन को उसी के ऑर्केस्ट्रा में देखते हैं जहाँ पर हमें एक लड़की के बारे में पता पड़ता है जिसका नाम वेरोनिका था। अब हम लोग देखते हैं वेरोनिका की नजर एड्रियन पे थी क्योंकि अभी एड्रियन का ब्रेकअप हो चुका था। हम लोग देखते हैं एड्रियन अपने पूरे ऑर्केस्ट्रा में अकेला बैठा हुआ था, तभी यहाँ पर उसे फोबियाना का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए चला जाता है जहाँ पर एड्रियन उसे सॉरी भी बोलता है और साथ ही साथ उसे अपना पूरा ऑर्केस्ट्रा भी दिखाता है और कहता है कि ये पूरी सारी जितनी भी है ये सभी मेरी प्रोडक्शन है। अब हम लोग देखते हैं ये लोग एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एड्रियन फोबियाना को उसके घर पे ले जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा। अब फोबियाना पूरे घर को देख ही रही होती है तभी हम देखते हैं कि बाहर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि एड्रियन की एक एक्स गर्लफ्रेंड भी थी जिसके बारे में फोबियाना को भी अभी अभी पता पड़ा। अब ये बात सुनकर फोबियाना भी थोड़ा सा अचंभा में रह जाता है क्योंकि उसे पहले नहीं पता था कि एड्रियन की एक एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी। एड्रियन ने उसे बताया था कि मैं बिल्कुल ही फ्रेशली सिंगल हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एड्रियन अपने आप को बिल्कुल क्लीन चिट रखना चाहता था तो वो फोबियाना को भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बता देता। हम लोग अब देखते हैं कि यहाँ पर जो फोबियाना थी वो बाथरूम में नहा रही होती है तभी उसे कुछ अजीब सी हलचल उस बाथरूम में महसूस होती है। हम देखते हैं कि जिस बाथटब में वो नहा रही थी और जो उसका वॉश बेसिन था वहां से कुछ पानी के हलचल की आवाज आती है और फोबियाना को उस हलचल का पीछा करते करते एक चाबी भी मिल जाती है जिसे कि वो अपने गले में पहन लेती है। हे गाइस वेट वेट वेट, मैंने आप सभी लोगों के लिए एक दूसरा चैनल बनाया जहां पर मैं कुछ अनाइम्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट अनाइम आप कमेंट कर दीजिए, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अपनी एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं कि फोबियाना यहाँ पर एड्रियन को बता रही होती है कि उसे कुछ आवाजें आ रही थी तो एड्रियन वहां पर चेक करने के लिए जाता है कि यहाँ पर बाथरूम में कहाँ से आवाजें आ रही हैं, पर हम देखते हैं कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और हमें यहाँ पर लगता है कि कम्प्लीटली फोबियाना का भ्रम है और वो उसे तोड़ने के लिए कुछ प्लम्बर्स को भी बुला लेता है उसे देखने के लिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ डॉक्टर्स आते हैं एड्रियन के पास और वो उसे एक मोर्चुअरी में ले जाते हैं जहाँ पर वो एक लड़की को देखने के लिए बुलाते हैं। उन्हें लगता है कि ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी है, पर ऐसा नहीं था। अब हम देखते हैं एड्रियन वापस अपने घर आता है और यहाँ पर हम देखते हैं मिनर के पीछे एक सीक्रेट रूम है जहाँ पर हम देखते हैं एक भयानक सी लड़की है जो कि इन लोगों को देख रही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कहानी है वो सीधी पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एड्रियन और बेलेन दोनों एक साथ ही रहते थे। ये दोनों एक दूसरे के लिए कुक भी करते थे और इन दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के लिए घर भी ढूंढते हैं जहाँ पर बेलेन एक डिजाइनिंग का काम भी अपना शुरू कर देती है। अब एक दिन हम लोग देखते हैं बेलेन यहाँ पर वेरोनिका और एड्रियन को एक साथ एक रूम में देख रहे थे और उसे लगता था ये लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। वेरोनिका और एड्रियन वहाँ पे अपनी बिजनेस मीटिंग कर रहे थे। हम लोग अब देखते हैं ये लोग कार में डिस्कस करते हैं जहाँ पर एड्रियन यहाँ पर बेलेन को समझा देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। हम देखते हैं बेलेन को जो कि एड्रियन के फोन में मैसेजेस चेक कर लेते हैं वेरोनिका के जो कि बहुत ही ज्यादा अश्लील थे। तो यहाँ पर एड्रियन उसे बताता है कि ये हमारे कुछ फ्रेंडली मैसेज हैं और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब हम देखते हैं कि बेलेन कुछ अपसेट हो जाती है और वो अपनी मकान मालिक एमा के साथ बैठी होती है और उसे बताती है अपने बॉयफ्रेंड एड्रियन के बारे में। अब यहाँ पे एमा यहाँ पर बेलेन को बताती है कि हमारे घर में एक सीक्रेट रूम है जहाँ पर से तुम अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर नजर रख सकते। एमा बेलेन को उस रूम को दिखाती है जहाँ पर हमें पता पड़ता है कि हम लोग उस रूम के अंदर से तो देख सकते थे पर बाहर से उस रूम के अंदर कुछ भी नहीं देख सकते थे। यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि वो रूम साउंड प्रूफ भी था। तो बेसिकली बेलेन इस रूम के थ्रू अपने बॉयफ्रेंड की लॉयल्टी को चेक करने वाली थी। भाई साहब सोचो अगर ये रूम असलियत में होता तो कितने लोगों के घर बिगड़ चुके होते अभी तक। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एमा अपने घर वापस चली जाती है और हम लोग यहाँ पर बेलेन को देखते हैं जो कि वीडियो बना रही होती है।
यहाँ हमें पता पड़ता है कि ये वही वीडियो थी जिसको एड्रियन फर्स्ट सीन में देख रहा हो। अब वो इस वीडियो को बनाकर अपना सामान पैक करके उसी रूम के अंदर आ जाती है जल्दबाजी में, और जल्दबाजी में ही वो चाबी को बाहर भूल जाती है। तो दोस्तों ये तो था इस मूवी का फर्स्ट पार्ट। अगर आप लोगों को सेकंड पार्ट देना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे डाल दिया। सेकंड पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या यहाँ पर जो बेलेन है वो उस रूम में हमेशा के लिए फंस जाएगी या फिर कभी बाहर भी निकल पाएगी। तो ये देखने के लिए सेकंड पार्ट को जल्द से जल्द देखना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।